HNB UMU 2022 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने कल लाइव सेशन में बताया था, आपकी काउंसलिंग की डेट यहां पे चेंज हो चुकी है। जैसे कि आप HNB UMU की ऑफिशियल वेबसाइट में यहां पे आप देख रहे होंगे नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022, तो यहां पे आप जैसे सिंपली क्लिक कर रहे होंगे तो नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो चुकी है कि जो आपकी काउंसलिंग है 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट ना होकर अब आपकी जो काउंसलिंग है 10 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने कल लाइव सेशन में आपको बता दिया था, जैसे ही आपकी काउंसलिंग यहाँ 10 नवंबर 2022 से 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 1:15 पे मैं आपके लिए फुल डेडिकेटेड वीडियो काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेके आ जाऊंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है, ये सारे मैं आपको 10 नवंबर 2022 को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो इस बार आपकी जो प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है, 10 प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगी टोटल भरने की, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि कल मैंने लाइव सेशन में आप लोगों से प्रॉमिस की थी कॉलेज के रिगार्डिंग, चाहे वो BSc नर्सिंग वाले हो, GNM हो, NM हो, पैरामेडिकल हो, इन तमाम कोर्स के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट कॉलेजेस, और साथ ही साथ आपकी क्वेरी थी कि सर मुझे हमें जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ आई है उसके रिगार्डिंग भी बता देना, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कितनी कैटेगरी पे यहाँ पे कॉलेजेस आपको एलोटेड हो जाएंगे। ये सारे मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो पेन और कॉपी अपने हाथ में रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितनी रैंक पर कौन से कॉलेजेस एलोटेड हो रहा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे कौन कौन से हैं। ये चीज़ें मैं आज आपको फुल इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बीच में स्किप मत कर देना, ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बाकी कोर्सेज वाले हैं ये मत समझना कि ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना। जब मैं आपको फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बताऊँगा तो इससे आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितनी रैंक तक आपको कॉलेजेस यहाँ पर अलॉटेड हो जाएंगे, ये तमाम स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग बताऊँगा, आने वाले दिनों में मैं प्रत्येक कोर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कट ऑफ जारी हो जितनी भी होगी, चाहे वो BSc नर्सिंग वालों के लिए तो खैर आज, चाहे वो GNM वाले हो, NM वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो या MSc नर्सिंग वाले हो, इन तमाम स्टूडेंट के लिए मैं आने वाले दिनों में आप 10 तारीख से पहले पहले आपको ये फुल वीडियोस दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट में जो 8 तारीख को मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के रिगार्डिंग में अगर यहाँ पे आपको बताऊंगा, चाहे वो मेरिट लिस्ट हो, चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, ये सारे मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस की। जो पहला गवर्नमेंट कॉलेजेस होने वाला आपका स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, साथ ही साथ मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपकी कुछ क्वेरी इस कॉलेज के रिगार्डिंग है तो डायरेक्टली आप इन नंबर पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो पहले नंबर जो कॉलेजेस होने वाला आपका स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो देहरादून में अवेलेबल है, दूसरे नंबर पर जो कॉलेजेस आपका होने वाला है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है स्टूडेंट, जब प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो सेकंड नंबर पर जो कॉलेजेस होने वाला आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका टिहरी में अवेलेबल है, तीसरे नंबर पर जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका जो पिथौरागढ़ में अवेलेबल है, चौथे नंबर पर जो कॉलेजेस है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका अल्मोड़ा में अवेलेबल है, पाँचवें नंबर का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग आपका जो चमोली में अवेलेबल होने वाला है, छठे नंबर पर जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका नैनीताल में अवेलेबल है, सातवें नंबर पर जो कॉलेजेस है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका जो पौड़ी गढ़वाल में अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको सारी प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट विद नेम आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट नंबर पे आपके प्राइवेट कॉलेज है आरोग्यम नर्सिंग कॉलेज, सेकंड नंबर जो अवेलेबल है आपका हरिद्वार में है, सेकंड नंबर पे अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका रुड़की हरिद्वार में अवेलेबल है, थर्ड नंबर पे जो प्राइवेट कॉलेज है सिनमाया एडवांस रिसर्च एजुकेशन हरिद्वार में अवेलेबल है, चौथे नंबर पे जो कॉलेजेस है ड्रोन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अवेलेबल है, ये भी आपका उधम सिंह नगर में अवेलेबल है, पाँचवें नंबर पे है नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका नैनीताल में अवेलेबल है, छठे नंबर का जो कॉलेजेस है पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस जो आपका नैनीताल में अवेलेबल है, सातवें नंबर पे है खुर्दा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका जो अवेलेबल है आपका हरिद्वार में अवेलेबल है, आठवें नंबर पे जो कॉलेज है श्री स्वामी भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका हरिद्वार में अवेलेबल है, नौवें नंबर का जो कॉलेज है दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फैकल्टी ऑफ नर्सिंग जो आपका देहरादून में अवेलेबल है, दसवें नंबर का जो प्राइवेट कॉलेज है मॉडर्न ग्लोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ये आपका हरिद्वार में अवेलेबल है, ग्यारहवें नंबर का कॉलेज है सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट जो कन्हैया जो कॉलेज है आपका जो अवेलेबल है आपका हल्द्वानी में अवेलेबल है, 12वें नंबर का जो प्राइवेट कॉलेज है उत्तरांचल PG कॉलेज जो बायोमेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जो आपका देहरादून में अवेलेबल है, 13वें नंबर का जो कॉलेज है
पृथ्वीराज चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस जो आपका काशीपुर में अवेलेबल है। 14 नंबर का जो कॉलेज है श्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका काशीपुर में अवेलेबल है। 15 नंबर का जो प्राइवेट कॉलेज है V3 कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका उधम सिंह नगर में अवेलेबल है। 16 नंबर का जो कॉलेज है आपका रहने वाला देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग आपका देहरादून में अवेलेबल है। 17 नंबर का जो प्राइवेट कॉलेजेस है सिद्धार्थ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में अवेलेबल है। साथ ही साथ स्टूडेंट आप यहाँ पे कॉलेजेस की सीट देख सकते हैं, किस कॉलेजेस में कितनी सीट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सीट बताना भूल चुका था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो बीएससी नर्सिंग की आपकी 60 सीटें रहने वाली है, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपकी बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें रहने वाली है, और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका जो टीरी में आपको बता दिया मैंने 40 सीटें हैं, और जो पिथौरागढ़ में जो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे 40 सीटें रहने वाली है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका जो अल्मोड़ा में अवेलेबल है यहाँ पे भी आपकी 40 सीटें गवर्नमेंट की रहने वाली है। पाँचवें नंबर पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपका जो चमोली में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जो सीटें यहाँ पे 40 सीटें हैं। जो आपका हल्द्वानी में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपकी सीट देख सकते हैं 50 सीटें अवेलेबल है, और जो पौड़ी गढ़वाल में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे 60 सीटें अवेलेबल है। सेम आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के जो नाम मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ आप यहाँ पे वीडियो में इनके जो सीटें अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको मेरिट लिस्ट भी आपको बतानी है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उनके सीट प्लस मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में इन पर्टिकुलर आपके एरिया में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो 16 नंबर का जो कॉलेजेस होने वाला है देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होने वाला है, यहाँ पे भी नर्सिंग की जो सीटें 30 सीटें रहने वाली है। 17 नंबर पे सिद्धार्थ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो सीटें हैं 40 सीटें हैं। श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज उत्तरकाशी के स्टूडेंट इनके लिए अगर प्राइवेट कॉलेज करना चाहते हो तो ये इनके लिए बेस्ट रहने वाला है, यहाँ पे 36 सीटें आपकी रहने वाली है। 19वें नंबर पर श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट आपको जो देहरादून में यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 सीटें हैं। साईं कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो देहरादून में अवेलेबल है यहाँ पे 30 सीटें रहने वाले हैं। यूनिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका उधम सिंह नगर में है यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 सीटें रहने वाली है। माँ अम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो आपका अल्मोड़ा में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 सीटें रहने वाली है। MIET में यहाँ पे जो हल्द्वानी में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 सीटें रहने वाली है। 24वें नंबर पर जो है स्वामी विष्णु चैतन्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो रुड़की में अवेलेबल है यहाँ पे भी आपकी 30 सीटें रहने वाली है। किंगस्टन इंपेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो देहरादून में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सीटें रहने वाली है। जेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पे भी आपके 55 सीटें रहने वाली है, ये उधम सिंह नगर में अवेलेबल है। पिथौरागढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो पिथौरागढ़ में अवेलेबल है यहाँ पे 30 सीटें रहने वाली है। जो यहाँ पे कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आपका कुआं वाला देहरादून में है यहाँ पे जो सीटें रहने वाली 60 सीटें रहने वाली है। तो यहाँ पे 29वें नंबर पे आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो यहाँ पे नर्सिंग की जो सीटें रहने वाली है 40 सीटें रहने वाली है। ज्ञानी इंदर सिंह इंस्टीट्यूट जो आपका देहरादून में अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं 30 सीटें रहने वाली है। संजीवनी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च जो आपका रुड़की हरिद्वार में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 सीटें रहने वाली है। डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका पौड़ी गढ़वाल में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 सीटें रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में, और काफ़ी ज़्यादा सीटें आपके प्राइवेट कॉलेजेस के देहरादून और हरिद्वार में अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, पौड़ी में भी अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट जिनका गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं आ पाता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ स्टेट कोटा की सीट अवेलेबल रहती है, स्टेट कोटा में फ़ीस आपकी कम रहती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया था आपको मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कितनी कट ऑफ पिछले बार यहाँ पे गई है बीएससी नर्सिंग वालों की, तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि कितनी रैंक तक यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज आपको सीट अलॉटेड हो रही है। ध्यान रखना स्टूडेंट जो ये सीट है आपकी MOP UP राउंड के बाद है, कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपके जो स्पोर्ट थर्ड काउंसलिंग होती है जिसमें ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते उन स्टूडेंट को एक मौका यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग होने के बाद भी कितने रैंक यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हो रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं प्रत्येक कैटेगरी का यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही यहाँ पे बताऊंगा, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं बताऊंगा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही काउंसलिंग करते हैं। तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इतनी रैंक होने के बावजूद अगर मेरी कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC है या ST है या EWS है, कितने मेरे को यहाँ पे मिल रहा। ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ पे दो प्रकार की कैटेगरी डिवाइड होती है, जनरल ओपन, जनरल वुमेन, सेम OBC ओपन, OBC वुमेन, SC ओपन, SC
ओनली वुमेन, जो वुमेन की सीट रहती है, और 30% जो आरक्षण आपको मिलता है उसके बेस पे ही आपके यहाँ पे जो सीट रहती है, चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले बार जिसकी रैंक 75 आई थी उसकी कैटेगरी यहाँ पे जनरल थी, और उससे जो कॉलेजेस यहाँ पे एलोटेट हुआ था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका जो न्यू टीडी है वो अवेलेबल हुआ था, 107 रैंक वाले को यहाँ पे जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी यहाँ पे एलोटेड हुआ था। और यहाँ पे 111 रैंक पे देख सकते हैं जनरल ओपन की गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी इनको अवेलेबल हुआ था। 113वीं रैंक वाले को यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वुमेन की सीट है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगा। तो इन्हें जनरल वुमेन की जो सीट यहाँ पे मिली थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा मिली हुई थी। 123वीं रैंक वाले को देख सकते हैं जनरल वुमेन की जो सीट इन्हें अलॉटेड हुई थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ अवेलेबल हुई थी। 127वीं रैंक वाले को यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वुमेन पे जो आपका गोपेश्वर चौमली में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो इन्हें यहाँ पे अलॉटेड हुआ था। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 185 रैंक पे इन्हें जनरल ओपन की जो सीट अलॉटेड हुई थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा इनको अवेलेबल हुआ था। 160वीं रैंक पे इनको जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो अल्मोड़ा है जनरल ओपन सीट अलॉटेड हुई थी। 162वीं रैंक पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा इनको जनरल ओपन की सीट में अलॉटेड हुई थी। 169वीं रैंक पे आप देख सकते हैं इन्हें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा जनरल कैटेगरी में अवेलेबल हुई थी। 176वीं रैंक पे आप देख सकते हैं इन्हें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी अवेलेबल हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे मैं बात करूँगा और रैंक की कितने रैंक पे जनरल वालों को मिला हुआ है। वीडियो बड़ी हो सकती है तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं प्रत्येक कैटेगरी की यहाँ पे सीट के मेंशन करूँगा। 221 रैंक पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें जनरल वुमेन की यहाँ पे सीट अलॉटेड हुई है गवर्नमेंट कॉलेज आपका जो गोपेश्वर चमोली हुई ये अलॉटेड हुई है। 233वीं रैंक पे आप देख सकते हैं इन्हें जनरल ओपन की सीट न्यू टिहरी अवेलेबल हुआ है। 234वीं रैंक में आप देख सकते हैं इन्हें जनरल ओपन की सीट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ अलॉटेड हुआ है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 253वीं रैंक पे जनरल वुमेन की जो इनको सीट अवेलेबल हुई है गोपेश्वर चमोली अलॉटेड हुआ है। सेम यहाँ पे आप बात करते हैं 274वीं रैंक आप देख सकते हैं इन्हें जनरल वुमेन की यहाँ पे सीट अलॉटेड हुई है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली। और यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट अगर उनकी रैंक यहाँ पे 269 है तो इन्हें 269 पे जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा अलॉटेड हुआ है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये स्टूडेंट की चॉइस के बेस पे इन्हें यहाँ पे कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है। लेकिन आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि 200 इतनी रैंक में भी यहाँ पर कॉलेजेस अलॉटेड हुए तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपकी रैंक इनसे भी कम है या इतनी रैंक तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कॉलेजेस अलॉटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 284 रैंक पे जो इनको कॉलेजेस अलॉटेड हुआ है जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 303 रैंक वाले को जो जनरल वुमेन का जो कॉलेजेस यहाँ पे सीट जो अलॉटेड हुई है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा यहाँ पे इनको अलॉटेड हुआ है। 309 रैंक पे आप देख सकते हैं ओबीसी ओपन वाले, अब यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट की यहाँ पे बात करते हैं 309 रैंक पे अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी आपको अलॉटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वालों को आप देख सकते हैं 318वीं रैंक अगर आपकी जनरल में और जनरल ओपन की सीट इन्हें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली अलॉटेड हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम 326 रैंक पे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की सीट एलोटेड हुई है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका जो पिथौरागढ़ है। सेम यहाँ पे देख सकते हो 329 रैंक में भी आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी की सीट एलोटेड हुई है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ अवेलेबल हुआ है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो 331वीं रैंक इस लड़की की है, इसे जनरल वुमेन की जो सीट एलोटेड हुई है गवर्नमेंट नर्सिंग अल्मोड़ा जो कॉलेजेस है वो एलोटेड हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम हम यहाँ पे बात करते हैं जो अनदर यहाँ पे रैंक है, मैं सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पे बात करूँगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, प्राइवेट कॉलेजेस की बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं करूँगा। और जो प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट कोटा की सीट भी यहाँ पे रहती है, मैं चीज़ का आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि इस स्टूडेंट के 348 रैंक में बताऊँगा आपको कि कब आपको प्राइवेट कॉलेजेस बनना है, मैं वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को बताऊँगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे स्टूडेंट की 348वीं रैंक है जनरल वुमेन इसका कोटा है लेकिन इसे प्राइवेट कॉलेजेस मिला है। लेकिन मैंने बताया स्टूडेंट प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ कि दो सीटें यहाँ पे रहती है, एक स्टेट कॉलेज स्टेट कोटा, एक मैनेजमेंट सीट। तो अगर आपको स्टेट कोटा की सीट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में मिलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको फीस बहुत कम पड़ेगी और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, अभी फिलहाल मैं गवर्नमेंट सीट के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा तो वीडियो को बीच में स्किप मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके रैंक 411 है लेकिन आपका जो कोटा है यू जनरल से DPW आपका कोटा है तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज न्यू टिहरी अलॉटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं SC कैटेगरी में, अगर आपकी रैंक यहाँ पे 427 है SC कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हल्द्वानी अलॉटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम बात करेंगे
और जो यहाँ पे मैं सिर्फ प्राइवेट, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करूँगा यहाँ पे, आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ बहुत, मेरिट लिस्ट बहुत बड़ी है, तो बीच में वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ OBC कैटेगरी वालों की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जनरल कैटेगरी वाले हैं। अब यहाँ पे OBC और SC ST कैटेगरी वालों की यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे अनाउंस होगी। देख रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 10 आपको प्रेफरेंस यहाँ पे भरने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप OBC कैटेगरी में देख सकते हैं, अगर आपके रैंक 566 रैंक है तो आपको OBC जो ओपन जो सीट है आपकी, वो यहाँ पे एलोटेड हो जाएगी। जो कॉलेजेस आपको 566 रैंक पे एलोटेड होगा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे एलोटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे OBC कैटेगरी की और बात करते हैं, अगर आपकी रैंक 573 रैंक है तभी आपको OBC ओपन की जो सीट है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ एलोटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप बात करते हैं OBC कैटेगरी की और यहाँ पे जो कट ऑफ गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो OBC की लास्ट कट ऑफ यहाँ पे आप गई है, देख सकते हैं 500 जो प्रीवियस ईयर में जिसको कट ऑफ मिली थी OBC वालों को, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया होगा 573 रैंक वालों को यहाँ पे OBC की सीट मिली थी। अब मैं SC कैटेगरी की बात करता हूँ, तो SC कैटेगरी में देख सकते हैं, अगर आपके रैंक 625 रैंक है तभी भी आपको SC जो कॉलेजेस है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, आपको 625 रैंक पे एलोटेड हो रहा है। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून एलोटेड हो रहा है। इन तमाम स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो SC कैटेगरी वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, OBC वाले भी देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट की यहाँ पे जो रैंक है 647 रैंक है तभी भी आपको जो OBC का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका गोपेश्वर चमोली एलोटेड हो रहा है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करा, PDF बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे और जो सीटें यहाँ पे मिली हुई है आप देख सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के लास्ट में। आप निश्चिंत रहिए कि स्टेट कोटा क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज है स्टेट कोटा के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मेरे लिस्ट बहुत हाई है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो यहाँ पे सीट अवेलेबल हुई है, थोड़ा सा आपको बता, SC कैटेगरी में देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे रैंक 775 रैंक है तभी भी आपको यहाँ पे SC वुमेन की जो सीट है, जो कोटा है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा यहाँ पे आपको एलोटेड हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी कैटेगरी SC है और थोड़ा रैंक यहाँ पे ज़्यादा है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, 809 रैंक पे भी आपको SC कैटेगरी आपकी है तो आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो पौड़ी गढ़वाल है वो एलोटेड हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है SC कैटेगरी स्टूडेंट वालों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 838 रैंक अगर आपके तभी भी आपको SC कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो गोपेश्वर चमोली है वो आपको एलोटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप, बाकी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, काफ़ी मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है, देख सकते हैं आप, 886 अगर आपकी रैंक है और आपकी कैटेगरी SC है तभी भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो न्यू TRE है वो एलोटेड हो जाएगा। अगर आपके रैंक 890 है, SC कैटेगरी में आप वुमेन हो, तो आपको यहाँ पे SC वुमेन की जो सीटें हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका पौड़ी गढ़वाल आपको एलोटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप बात करेंगे 895 रैंक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 895 रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल SC ओपन की सीट में एलोटेड हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 896 रैंक पे भी आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर चमोली SC कैटेगरी वालों को एलोटेड हो रहा है। आई होप आप सभी लोगों का डाउट आज मैंने पूरा क्लियर कर दिया होगा, कितनी रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हो रहा है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, आई होप आप सभी लोगों को, या EWS हो, इस तमाम मैंने आज आपकी इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। आई होप अब आपका कोई भी डाउट यहाँ पे गवर्नमेंट सीट के रिगार्डिंग नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ जनरल, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें यहाँ पे इतनी रैंक के बावजूद भी कॉलेजेस अलॉटेड नहीं होगा, इन स्टूडेंट को प्रेफरेंस में क्या भरनी है, जो मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, जो टोटल आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगी, 10 प्रेफरेंस आपको कॉलेजेस भरने की मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, टोटल जो प्रेफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, 10 प्रेफरेंस आपको मिलेगी। ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, जितनी मैंने आपको बताया आज की वीडियो में कि इतनी रैंक में इस पर्टिकुलर कैटेगरी को ये कॉलेजेस एलोटेड हो रहा है, तो अगर आप इतने रैंक तक आते हैं तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा, आप फर्स्ट काउंसलिंग में ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस में भरें। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो सेकेंड प्रेफरेंस में आप
जो लास्ट की जो 3-4 प्रेफरेंस रहती है उसमें प्राइवेट कॉलेजेस भरे। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे भी स्टेट कोटा की सीट अवेलेबल रहती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टूडेंट का मैं आपको डाटा बता देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 340 की रैंक है इस स्टूडेंट की, और जनरल वुमेन की जो इन्हें सीट एलोटेड हुई है, स्टेट कोटा की सीट इन्हें यहाँ पे एलोटेड हुई है। ये आपका प्राइवेट कॉलेजेस है, उत्तरांचल पीजी कॉलेज साइंस एंड हॉस्पिटल देहरादून। तो यही बेनिफिट आपको यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपको स्टेट कोटा की सीट एलोटेड हो जाती है। स्टेट कोटा की में आपकी जो फीस यहाँ पे रहती है बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट सीट। तो ये बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जितनी भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई आपको कैटेगरीज वाइज, इतनी रैंक आपकी है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट काउंसलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही यहाँ पे प्रेफरेंस में रखना। प्रेफरेंस में आप चाहें तो आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे दूर के यहाँ पे कॉलेजेस लास्ट प्रेफरेंस में भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक इससे ऊपर है, कहने का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई है कि OBC की जो रैंक है 580 तक यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड है, 580 से ऊपर, 600 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी प्रेफरेंस में लास्ट के जो 3 कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस भर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा की सीटें रहती है। अगर वो सीटें आपको मिल जाती है तो वहाँ पे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे आपकी जो फीस रहती है बहुत कम रहती है। आई होप आपका मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया। अब भी आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी आपको आप लिख सकते हैं। मैं कल की वीडियो में GNMO ANMO धीरे धीरे आपके लिए सारे कोर्स के रिगार्डिंग फुल वीडियो लेके आ जाऊँगा। आई होप आज मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया होगा इस सेशन में। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मैं अनदर कोर्स के रिगार्डिंग आपके लिए फुल डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।